हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या राठौर और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टारगेट सीट है 2020 EVS NCERT की मैंने आप लोगों को समरी कराई थी, तो मैं उसी के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर उस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज़ एक्सीलेंट साइट, कैन सी थिंग्स 4 टाइम मोर देन ह्यूमंस। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था, आप लोगों को समरी में बताया था कि ऐसे कौन से जानवर हैं, ऐसा कौन सा ग्रुप है एनिमल्स का जो हमसे 4 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकता है। तो वो है हमारा काइट ईगल एंड वल्चर। क्या है? काइट ईगल्स एंड वल्चर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज मे कॉज्ड बाई स्टेगनेंट वाटर। ऐसा कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो किससे फैलती है, हमारी गंदे पानी से फैलती है? वो मलेरिया है, पोलियो है, फिनोमेना निमोनिया है, एड्स है। तो इसमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो गंदे पानी से फैलती है? आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें मलेरिया से दूर रहने के लिए क्या करना होगा, हमें अपने चारों ओर पानी नहीं भरने देना है और अपनी टंकियों वगैरह को क्या करते रहना है, वीकली क्लीन करते रहना है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा हमारा? मलेरिया। जो मलेरिया होता है वो किससे फैलता है? गंदे पानी से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन अवर कंट्री इज अ कोल्ड डेजर्ट। हमारी कंट्री में ऐसा कौन सा डेजर्ट है, ऐसा कौन सा रेगिस्तान है जो कैसा है, ठंडा रेगिस्तान है? तो जैसलमेर है, लद्दाख है, मेघालय है या दार्जिलिंग है? तो आप सभी को पता होगा जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ठंडा जो डेजर्ट है वो कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स करेक्ट पेयर। इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो सही है, फोक डांस और उसकी जो स्टेट दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है? तो हमारा असम और बिहू जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्रोंज इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ब्रोंज जो धातु है वो किससे बनी हुई है, कौन से 2 मेटल से बनी हुई है? कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड आयरन, कॉपर एंड टिन एंड एल्युमिनियम एंड टिन। जो हमारी ब्रोंज है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? कॉपर एंड टिन का मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है? कॉपर एंड टिन का मिक्सचर है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। खेजरी ट्रीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पर पूछा है खेजरी ट्रीज़ आर मेनली फाउंड इन। खेजरी के जो ट्रीज़ हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, किस तरह के एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस, मॉडरेट कंडीशंस और हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। जो हमारा खेजरी ट्रीज़ हैं वो पाए जाते हैं हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में। कहाँ पर पाए जाते हैं? हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड। माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर है? इंडिया में है, चाइना में है, तिब्बत में है, नेपाल में है? तो आप सभी को पता होगा जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है और इसे नेपाली लोग सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साहिल सेड, साहिल कहता है आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट ड्यू टू फीवर, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे फीवर है। आई एम गोइंग थ्रू सिवरिंग, मुझे क्या हो रहा है, मैं कांप रहा हूँ, फीवर, हेडेक एंड स्वेटिंग, मुझे क्या हो रहा है कि मैं मतलब कांप रहा हूँ और क्या हो रहा है, मेरे हेडेक भी और मुझे क्या हो रहा है, पसीना भी आ रहा है। आई हैव गो माय ब्लड टेस्ट, मैं कहाँ पर गया था, ब्लड टेस्ट के लिए गया था डॉक्टर के पास। डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड मी हार्श मेडिसिंस, डॉक्टर ने मुझे हार्ड मेडिसिंस बताई हैं। साहिल माइट बी सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज़, तो साहिल जो है वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा है। साहिल क्या है, उसे क्या प्रॉब्लम है कि उसे बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है और वो कांप भी रहा है, उसके हेडेक भी है और क्या है, उसे पसीना भी आ रहा है। तो डॉक्टर ने उसे बहुत ही हार्श मेडिसिंस दिए हैं, तो वो कौन सी बीमारी से लड़ रहा है, वो कौन सी बीमारी है, डायरिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है या फिर कॉलेरा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब हमें फीवर आता है तो हमें कौन सी बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा फीवर आता है और हम शिवर भी करते हैं, कांपते भी हैं, हेडेक भी होता है और पसीना भी आता है, तो हमें कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमल्स हु अवेक एट नाइट सी ऑब्जेक्ट्स इन विच कलर, जो जानवर रात में जागते हैं, जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं, रेड, ऑल कलर्स, ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रीन। मैंने आप लोगों को ये चीज़ कराई थी कि जो रात में जानवर जागते हैं वो किस तरह के कलर्स देख सकते हैं, तो वो ब्लैक एंड वाइट कलर के रंग देख सकते हैं। जो जानवर केवल रात में जो जानवर रात में जागते हैं वो केवल और केवल दो ही रंग देख सकते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हेल्प्स इन फाइटिंग आयरन डिफिशियंसी, अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, मैंने आप लोगों को ये कराया था समरी में कि अगर किसी को एनीमिया हो जाता है तो वो कौन किस तरह का खाना खाएगा, राइस, आंवला, लेमन, आंवला, जैगरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज, जैगरी, लेमन, राइस। तो जब किसी को एनीमिया रोग हो जाता है तो उसे डॉक्टर आंवला, जैगरी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस यहीं तक थे आप लोगों के, आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और मैं इस तरह के 50 वन लाइनर क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी जो आपके सीटेट एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे कि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू एवरीवन।